करना कि सबसे पहले जब घर पहुंचोगे ना, जो भी टाइम पे आप पहुंचोगे, आप घर में अगर मां बाप हो तो उनके पैर पड़ लीजिए, घर में अगर भगवान हो, अल्लाह, रब, जिसे भी आप मानते हो घर में अगर है तो नमस्कार कीजिए, साष्टांग नमस्कार कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि आपको इस धरती पर लाया तो लाया लेकिन साथ में कैंगन वाटर भी भेजा, जिसकी वजह से आपके आने वाले हर साल खुशियों से भरे रहेंगे। डिजीजेस की भी बात होगी, इम्यूनिटी की भी बात होगी, प्रिवेंशन की भी बात होगी, मेडिसिन की भी बात होगी, ट्रीटमेंट की भी बात होगी, लेकिन इससे ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को, अपने शरीर को होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और वो उसके लिए इंडस्ट्री क्या कर रही है और कैंगन क्या कर रहा है। परफेक्ट। चलो, आई एम कमिंग हार्ड कोर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू, और बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं आपको कि जो ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री है, दिस इज ऑल अबाउट $1.25 trillion बिजनेस इंडस्ट्री, $1.25 trillion। ओके, अगर थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चल दू, 2020 साल पहले की बात करूं, द इंडस्ट्री वॉज अराउंड $390 billion। तो अभी देखो 20 साल में इतनी रफ्तार पकड़ी है इंडस्ट्री ने, फार्मा इंडस्ट्री ने, कि 390 बिलियन से सीधा जंप किया है $1.25 trillion में। इसका मतलब क्या है, सोचो, बीमारियां बढ़ रही हैं और क्या हो रहा है, सोचो, लोग मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, मेडिकल डिवाइसेस आ रहे हैं, मेडिसिन डेवलप हो रही है, ड्रग स्टोर्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्लिनिशियंस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट? बट फैक्ट ऑफ द मैटर मैं को अभी ये भी बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री है अगले 3 साल में, मतलब 2023 में, ये इंडस्ट्री जो आज $1.25 trillion में है, ये जंप करेगी सीधा $1.5 trillion में। इसका मतलब क्या है, बीमारियां, आपकी हेल्थ, तो आप सोचना पड़ेगा आपको। देखो, लाइफ में एक्शंस लेनी पड़ती है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एक्शंस लोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ सोचने से बाबा रामदेव भी कुछ नहीं कर सकते फिर। एक्शंस लेनी जरूरी है। आपको मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय है, किसी को डाउट है, हम सब भारतीय है, परफेक्ट। तो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है आज के डेट पे, वो $55 billion के ऊपर में है, जो कि पहले 2005 में $6 billion की थी, 6 बिलियन से सीधा सीधा 55 बिलियन में, मतलब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। ये थोड़ा एक प्राउड मोमेंट भी है ऑब्वियसली, उसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि जो वर्ल्ड की जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, प्रोडक्शन की, मेडिसिन की, वो टोटल 10% डिमांड ये इंडिया से सप्लाई की जा रही है। ओके, जितनी भी मेडिसिन बन रही है, यूएस, यूरोप, जापान, अटैक रीजन, सीनिया और ना जाने ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है। ओके, और एक्सपोर्ट मार्केट का आज की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट $22 to $25 billion का फार्मा एक्सपोर्ट होता है, राइट? तो मतलब पूरी दुनिया, आप और मैं सिर्फ अकेले नहीं, पूरी दुनिया डिसीज से सफर हो रही है। अगर मेडिसिन है इसका मतलब बीमारियां हैं, डू यू एग्री, राइट? तो क्या बीमारियां ऐसी चली जाएगी? नहीं ना, कुछ तो हमको डिसीजन लेना होगा, कुछ तो एक्शन करनी होगी, राइट? क्योंकि जिस स्टेट में हम आए हैं इस धरती पे, क्या बीमार होके आए थे आप? हाथ खड़े करो जो बीमार होके आया है। अच्छा, जो हेल्दी है, होकर आया है, वो हाथ खड़े करो, राइट? आर यू हेल्दी? ओके, लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, आर यू हेल्दी टूडे? बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। जिनके पास कैंगन है, वो कैन प्राउडली से आई एम हेल्दी, दे कैन टेक द गारंटी। आप गारंटी ले रहे हो जो अभी सुन रहे हैं, कि आप गारंटी ले रहे हो कि आपकी हेल्थ नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स में हेल्दी रहेगी? Yes. बाकी लोग बताइए मुझे, हेल्दी रहेगी आप सबकी लाइफ? ओके, फंटास्टिक। और हेल्दी तब बनती है जब हम अपने शरीर को, हमारी बॉडी को वो देते हैं जो उसकी जरूरत है। जिसके पास 4-व्हीलर है,
पेट्रोल या डीजल की होगी। लेट से अगर आपकी पेट्रोल वाली व्हीकल है, क्या उसमें आप डीजल डालोगे, क्या उसमें केरोसिन डालोगे, क्या होगा, क्या होगा, इंजन जाम होगा। या गाड़ी की इतनी फिक्र है, खुद के शरीर की कब फिक्र करोगे। आपके शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है। अच्छा, बाय द वे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। आप सभी लोग इस दुनिया में जब आए तब से लेकर अब तक कितने सालों से पानी पी रहे हैं? मैं सुना ही नहीं आया, बोल सकते हो। मैं एज ही पूछ रहा हूं आपकी, स्पेशली लेडीज से कॉन्शियस हो गई है। आई एम नॉट आस्किंग द एज, कितने सालों से आप पानी पी रहे हैं? बिल्कुल, तो आपकी जितनी एज है लगभग उतना उतने साल से पानी पी रहे हैं, राइट? अभी आपको सरप्राइज दो, थोड़ा झटका दो, थोड़ा शॉकिंग फैक्ट बताओ आपको। जो आप पानी समझ के जो पी रहे थे वो एक्चुअली स्लो पॉइजन है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, राइट? क्योंकि जो पानी हमारे शरीर की जरूरत है, जो चाहिए, वो हम नहीं दे रहे, हम वो दे रहे हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते आ रहा है सालों साल और निरंतर करते रहेगा। तो हमको करना वो है कि हमें पानी को बदलना है ताकि हमारा जीवन सुखमय, आनंदीमय और हेल्दी रहे। तो पानी को बदलो और जीवन को सुधारो। चेंज योर वॉटर, चेंज योर लाइफ। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जिस दुनिया में भी हम हैं पिछले 2 साल से, मुझे बताइए लगभग 2019 एंड से जो स्टार्ट हुआ है कोविड, और टिल नाउ, मतलब थोड़ा टाइम छोड़ के लेट्स से फ्यू मिनट्स बिफोर, पिछले 1.5 से 2 साल से मैं आप खुद को हेल्दी, खुद को फ्रीडम, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे दुनिया में, पूरी आपकी पूरी लाइफ श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गए थे आप बिल्कुल। एक कहते ना, आजाद पंछी को अगर पिंजरे में कैद कर दो तो वो लाइफ हमारी हो चुकी थी। लेकिन इसके वजह से ये भी हुआ, लोग कोविड को गालियां देते हैं, मैं कोविड को थैंक यू भी बोलता हूं, कोविड-19 वायरस को थैंक यू इसलिए बोलता हूं कि एटलीस्ट इसके वजह से लोगों में ये एहसास हुआ है कि हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी को हमें प्रिवेंट करना है, हमें बेटर हेल्थ में रहना है। लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, जो पहले हेल्थ के बारे में सोचा नहीं करते थे, आज हेल्थ के बारे में चर्चाएं होती है, लोग अपने बारे में बहुत सारे एक्शंस लेते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? कितने लोग मानते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या किया कोविड के अंदर, खुद को कमरे के अंदर बंद करने के अलावा? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यस सर, वाओ, ओ फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, सुपर, कांग्रेचुलेशंस। तो आपने एक ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा डिसीजन जो जिसके वजह से आपकी अपनी लाइफ और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ सिक्योर्ड हो गई है। बिल्कुल, ओहो क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा सा अपनी जगह से सभी लोग खड़े हो जाइए, अभी अपने आजू बाजू देखिए आपके साथ में कौन है। क्या ये लोग आपको पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट नजर आ रहे हैं? खून की नशे से क्यों देख रहे हो? अच्छा, क्या ये लोग लोग नहीं, कोई एनिमल्स है? नहीं, ऊपर से भी आवाज आ रही है, सभी इंसान है, ऊपर में तो ऊपर वाले से भी आवाज आ रही है। तो एक बात समझ लो, जो आपके आजू बाजू है, जो आगे है, जो पीछे है और जो साथ में है, ये वो लोग है जो आपके बारे में हमेशा फॉरएवर आपकी भलाई के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए दुआएं देते रहेंगे, आपको
हेल्प करते रहेंगे और आपकी लाइफ को सिक्योर करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। जो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते रहेगी, राइट? थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब ये COVID-19 आया था, एक सिंगल वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है, राइट? सभी ने एक्सपीरियंस किया, राइट? अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जहां आपको ये COVID-19 ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी, चैन की जो नींद ले रहे थे वो लेना बंद हो चुका था, हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी और बाहर जाने में भी तकलीफ होती थी, वो केवल एक वायरस था। आज चाइना के पास में ऐसे लगभग 1500 स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस है, 1500 वायरसेस अभी भी चाइना के, ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस, उनके पास में 1500 ऐसे वायरस है। इसका मतलब क्या है? कोविड गया? इसका नया भाई आएगा अभी, और छोटा भाई, बड़ा भाई, जो नाम दे दो, मतलब 1500 वायरसेस है। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ बायो वॉर। फिर आप सरप्राइज मत होइए कि फिर से नेक्स्ट ईयर में लॉकडाउन क्यों लगा, क्यों आपको फिर से बोला गया कि आप घर में रहिए? बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बायो वॉर, और 1500 ऐसे सैनिक, मतलब ऐसे वायरस, जो सैनिक इसलिए कह रहा हूं कि जो लॉन्च कर रहा है उनके लिए सैनिक है ये, और लॉन्च किसने किया आपको बताइए अच्छे से। तो 1500 ऐसे वायरस रेडी है आपको तबाह करने के लिए। क्या आप रेडी हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे। आर यू रेडी? कैसे रेडी हो भाई? जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? बाबा जी का ठुल्लू? हाँ, कौन आएगा? बाबा जी बोलेगा तथास्तु बेटा, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें कोई भी वायरस तुम्हें कभी होगा नहीं अगर तुम्हारे पास तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो, ऐसा होगा? लेकिन अगर आपके पास में आपका कवच हो, कवच वो है जो नेचुरली शरीर आपको एडॉप्ट कर रहा है उस जल से, उस कैंडल वाटर से, जिसकी वजह से हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो चार्ज अप हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके पूरे थ्रू आउट दी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई भी इंफेक्शन है तो वो बाहर निकल जाएगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि फुल फार्मा मेडिकल हार्डकोर रिसर्च, हार्डकोर डिस्कवरी, इन सबको पूरा स्टडी करने के बाद मैं कह रहा हूं आपको। और दूसरी बात ये, अगर कोई भी एलिमेंट अगर हो रहा हो ना अर्ली स्टेज में, उसकी हिम्मत नहीं होगी पनपने की, वो भी बाहर हो जाएगा, राइट? सो कैंगन वाटर में वो जो बात है वो किसी और में नहीं है एक्चुअली। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके एक डिसीजन की वजह से आपकी खुद की और आपके पूरे परिवार की लाइफ अगर संवर सकती है, संभल सकती है, हेल्दी रह सकती है, तो वो डिसीजन वो ऊपर वाला भगवान भी आपको बोलेगा, वाह, आपको मैंने धरती पे भेजा, आपने ये डिसीजन लिया, सबसे बड़ा डिसीजन आपका लाइफ का। सो बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू फॉर टेकिंग दैट डिसीजन। सुपर। सो वायरस से बचना है, और अभी मैं फैक्ट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं, आपको सरप्राइज हो रहा है, जो मेडिसिन आप खा रहे हो या खा रहे थे या खाने वाले हो, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, सॉफ्ट जेलेटिन, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, ये जितने ड्रग डोसेस फॉर्म्स आप नाम सुन रहे हो ना, इन सबके ऊपर मैंने रिसर्च की हुई है। मोर देन 400 मॉलिक्यूल्स आई हैव डेवलप्ड एंड लॉन्च इन द रेगुलेटेड मार्केट, यूएस, यूरोप, जापान, पीएनडीए, सीमिया, और ऑलमोस्ट 172 कंट्रीज में मेरे ऑपरेशन है, ठीक है? तो ये जो ड्रग मेडिसिन जो मार्केट में आती है, इसके जनरली आप समझोगे, राइट,
इसको कहते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फेज. ओके, बहुत लंबी दास्तान है ये, 20 साल की, रिस्क से भरी हुई है. हर एक स्टेज में यहां रिस्क चैलेंजेस होते हैं. ठीक है, आप जब ड्रग को डिस्कवरी फेज में आते हैं, लगभग 10,000 कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, उसमें से गिने चुने 250 ड्रग्स प्री क्लिनिकल स्टेज में आते हैं. अभी मैं आपको इसलिए कनेक्ट करना चाहूंगा कि आपने ये भी सुना होगा कोविड के टाइम पे कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, राइट. तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या हो रहा है कि पूरी प्रोसेस, ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, राइट. उसके बाद अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट FDA उसको अप्रूव करती है और मार्केट में आता है. इस पूरे जर्नी में उसको लगभग 20 साल लग जाते हैं, 14 साल डिस्कवरी में और बाद में वो मार्केट में आता है. तो 10,000 कंपाउंड, उसमें से सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च होता है, इसको कॉल्ड ड्रग डिस्कवरी. और ये भी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा आपको, दुनिया में, हां जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट, दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं बना. फिर से रिपीट करता हूं, एंटायर वर्ल्ड में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बनी जिसके कोई साइड इफेक्ट. तो आपकी लाइफ बल्ले बल्ले कैसे हो सकती है, राइट. सो मेडिसिन किसी पर्पस के लिए बनी हुई है, उस पर्पस के साथ उसके साइड इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे आते हैं. आप चाहो या नहीं चाहो, मानो या नहीं मानो, बट साइड इफेक्ट आते हैं. इसका मतलब यह है दवाई एक डिसीज ठीक करने के लिए आप ले रहे हो, साथ में पता नहीं कैसे और एसोसिएटेड डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं, राइट. तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी को चाहिए वो नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसको हम कहते हैं, जिसमें आती है इम्यूनिटी, जिसमें आती है एंटीऑक्सीडेशन, जिसमें आता है अल्कलाइजेशन. और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके शरीर में ऐसा पानी जा रहा है जो रेगुलर वाटर से एक टाइम फास्टर पहुंच रहा है, तो समझ लो आपको लाइफ में कोई बीमारी नहीं होगी. दैट्स द पावर ऑफ द टोटल अर्थ वॉटर. मेरे ख्याल से डॉक्टर, कपल ऑफ डॉक्टर्स ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट. यस मैन, राइट, कि अर्थ में 70% वॉटर है. ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, हमारे शरीर में भी 72% वॉटर होता है. लेकिन अभी आपको इस बात का महत्व समझ में आएगा, पानी का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस. क्योंकि वर्ल्ड में जो वॉटर अवेलेबल है उसमें से 97% तो ओशन में है, ठीक है. आप समझो बात को, जितना भी ब्रह्मांड में, पूरे एंटायर, लेट्स टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ में जितना भी वॉटर है वो 97% तो ओशन में, समंदर में. तो खारा पानी तो वैसे भी आप नहीं पी सकते. आपके पीने के लिए मिलता है जस्ट 3% फ्रेश वॉटर, ओके. और उस 3% में से भी आप कंपेयर करते हो तो 70% ऑलरेडी ग्लेशियर्स में है, वो जो पानी आप पी नहीं सकोगे. बचा सिर्फ 29% जो ग्राउंड वॉटर है, और उसमें से भी 1% जो है वो एक्सेसिबल है, मतलब पहुंच के लायक है, आप पीने के लायक है. लेकिन उसमें का 1% की अगर बात कर रहे हैं तो 52% ऑलरेडी लेक में है और 38% सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में है जो आप नहीं पी सकते हो. और ऑन टॉप ऑफ दैट 1% वॉटर इवेपोरेट हो जाता है, तो बचता है आपके लिए जस्ट एंटायर वर्ल्ड में अवेलेबल वॉटर जैसे जस्ट 1% वॉटर जो आपके पीने लायक है. मतलब पीने लायक मतलब वो पी सकते हो, वो पीने के बाद क्या होगा वो अलग एस्पेक्ट है, राइट. तो हमारे पास ऑलरेडी पानी की कमतरता है और उसके ऊपर से आप जो इतने सालों से जो पानी पी रहे थे वो पानी तो पहली बात तो था ही नहीं, राइट. तो आपकी बॉडी वैसे भी डैमेज हो ही रही होगी. अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हो तो मैं कहता हूं आप हेल्दी नहीं हो, एक्सेप्ट जो पानी वॉटर पी रहे हैं. ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप जाइए लैब में, जाइए, मैं आपको कुछ टेस्ट आपको रिकमेंड करता हूं, आप ब्लड टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है. तो आप ऐसे स्टेज में हो कि कल चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ये जो आप सुन रहे हो आप महसूस करोगे उस चीज को. क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी इंडिया डायबिटीज की कैपिटल है और अभी कैंसर की कैपिटल बनने वाली है, राइट.
अब शॉकिंग फैक्ट ये है, कभी आपने गौर फरमाया, कभी आपने ये सोचा, या कभी आपने एक हिम्मत हुई, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए उससे ये पूछो कि ये बीमारी डॉक्टर साहब मुझे क्यों हुई है, कितने लोगों ने पूछा है? नहीं पूछ सकते ना। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है, जिसके बियॉन्ड ये साइंस जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन के लेवल पे चले जाता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, बीमारियां एक्चुअली, अगर आप बीमार हो मतलब आप सीख हो तो एक्चुअली आप सीख नहीं हो, यू आर नॉट सीख, यू आर थर्स्टी। समझ में आ रहा है? आप बीमार नहीं हो, आप पैसे हो, क्योंकि आपकी बॉडी में, अच्छा किस तरह से बॉडी बनती है बता दो आपको, सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, उससे बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, सिस्टम से पूरे एंटायर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बनती है, मतलब अल्टीमेटली आपकी बॉडी की रचना हुई है। तो हमारे बॉडी में कितने सेल्स है? 37.4 ट्रिलियन सेल्स। कितने? लाख नहीं, करोड़ नहीं, मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स। और इन सेल्स को क्या चाहिए? फैक्ट ऑफ द मैटर, आप इंटरेस्टिंग भी सोचोगे, इन सेल्स को सिर्फ वाटर ही चाहिए होता है, और इस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से एनर्जी ट्रेवल होती है, यहीं से न्यूट्रिशन ट्रेवल होगा फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेशन में ट्रेवल ही करता है। अगर आपके सेल्स को सही तरीके का, सही क्वालिटी का पानी मिल जाए तो लाइफ में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट कि इसका इंपॉर्टेंस अभी कमर्शियल एंगल से देखते हैं। आपको पता है हम अभी इंडिया में है ना, पानी हमारे घर में आ रहा है, ठीक है, जो भी फॉर्म में आ रहा है हम पीते जा रहे हैं। वर्ल्ड में भी पता है आने वाले जो नेक्स्ट 10 साल आप पानी के लिए तरसने वाले हो। और लेस्ट बेस्ट एग्जांपल इज दैट यूएस में ऑलरेडी, शिकागो में स्पेशली, वॉटर इज ऑलरेडी ऑन द वॉल स्ट्रीट, मतलब ट्रेडिंग हो रही है भाई साहब, पानी की ट्रेडिंग हो रही है। मतलब आज आप, आज के करंट रेट में आप वॉटर ब्लॉक कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो, और ये आने वाले 5 साल के बाद में, लेट से कि आपका 15 रुपीज अ लीटर वाटर है, यही शायद हो सकता है 1000 रुपीज लीटर वाटर कुछ सालों में होगा। तो ये ट्रेडिंग यूएस में हो रही है, और ऑलरेडी इसके लिए 1.1 बिलियन कैलिफोर्निया स्पॉट वाटर मार्केट खुल चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी आप समझ रहे हो, जिस वाटर को कभी हमने इतना सीरियसली नहीं लिया, हेल्थ के पॉइंट तो अपने आपको समझ में आया, लेकिन वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखियो कितना सीरियसली ये यू नो एस्पेक्ट है कि वाटर इज सो इंपॉर्टेंट, और इसकी इतनी कमी होने वाली है। क्वालिटी ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक नाउ रादर देन जस्ट यू नो बी वेरी वो कॉल्ड, मतलब चीज से सफर होने से बेहतर है कि उस चीज को पहले इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज कल का कल्चर के पछतावा होने वाला है आप लोगों को। राइट, सो लेट्स क्विकली नेक्स्ट, आपको 1 मिनट में आपको मैं ये समझाता हूं हाउ, नेक्स्ट स्लाइड, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल हेल्थ। सिर्फ अगर आप शरीर से हेल्दी हो, उसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ, तो मैं उसको हेल्दी नहीं मानता। जो अभी आप सभी प्राउडली कह रहे थे ना, मैं हेल्दी हूं, जस्ट लुक एट दिस स्लाइड एंड टेल मी आर यू रियली हेल्दी। रियलाइजिंग ट्रू मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इससे आप फ्री हो? नहीं, तो आप हेल्दी नहीं हो, मेंटल स्ट्रेस से आप सफर कर रहे हो। राइट, फिजिकल हेल्थ शायद आप हो, उसमें भी अगर मेडिकल टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ एस्पेक्ट निकल आ रहा, बट ऑन टॉप ऑफ दैट फाइनेंशियल ट्रू हेल्थ, क्या फाइनेंशियली आप फ्री हो? नहीं, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। आर यू एग्री? बट क्या आप इस चैलेंज से टोटल हेल्थ कवर करना चाहते हो, जिसमें टोटल ट्रू मेंटल हेल्थ रहेगी, जिसमें टोटल फिजिकल हेल्थ रहेगी, और जिसमें टोटल फाइनेंशियल हेल्थ रहेगी? अगर आपका जवाब हां है तो जोर से कहिए यस। और ये पावर आपको सिर्फ देता है कैंगन वॉटर। अब मैं डॉक्टर हूं तो मैं फाइनेंस की बात नहीं करूंगा, आपके जो भी आपके मतलब जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, यस, वॉटर
थैंक्स टू मैम, थैंक्स टू डॉक्टर तुकाराम, इन्होंने ऑलरेडी वाटर के ऊपर डेमो दिया है तो मुझे उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आपको रियल फैक्ट पता चल गया कि पानी में क्या पावर है, कैंगन वाटर की बात कर रहा हूं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जल ही जीवन है। मैं कहता हूं, हमेशा कहूंगा कि आप जो पी रहे हो वो पानी है, और उस पानी को मैं पानी नहीं मानता। मैं पानी, मेरे हिसाब से जल वो होता है, जल वो होता है जिसमें एनर्जी हो, जिसमें प्रवाह हो, जिसमें वो एक जीवन की प्रॉपर्टीज हो, उसे कहते हैं जल, जो चलता ही रहे, राइट। सो वो जल आपको मिलता है एंटायर हमारे बॉडी की जो नीड है, राइट। लेकिन अभी आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, अनफॉर्चुनेट बाब, अभी जो फैक्ट है, नेक्स्ट टू मिनट्स एंड देन विल बी यू नो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टोटल वरीज। जो आपको चिंता है अभी तक के थी या हो रही है, उसे आप फ्री हो जाओगे। फैक्ट ऑफ दिस बिगेस्ट $13 बिलियन बोतल वाटर इंडस्ट्री, जो आप पानी बड़े शौक से, बड़े प्राउड के साथ मार्केट से, शॉप से, रेस्टोरेंट से, होटल से जाके पीते हो। मैं ब्रांड नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनीज, बट ये जो $13 बिलियन ऑलरेडी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये आपको बर्बाद कर रही है। मानते हो? किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो अब भी पूछ लीजिए, बाद में दोबारा मत मुझे पूछिए कि डॉक्टर रोशन साहब आपने वो क्वेश्चन पूछा था तब मेरा दिमाग नहीं चला, लेकिन अभी चल रहा है तो मैं अभी पूछता हूं, तो मैं कहूंगा सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज कर लो। सो ये जो है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जो बॉटल वाटर जो होता है इज एक्चुअली बैड फॉर द एनवायरमेंट। किसी ने पॉइंट्स में मेंशन किया था हमें एनवायरमेंट हेल्दी बनाना है, राइट, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, डंप कर रहे हैं पर एनवायरमेंट को विद द प्लास्टिक बॉटल्स। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एक्चुअली एवरी सिंगल सेकेंड हम जब यहां बैठे भी है, एवरी सिंगल सेकेंड 1500 बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स ये कंज्यूम होते जा रही है। अल्टीमेटली जाएगी तो कहां जाएगी, डंप तो हो रही है वर्ल्ड में, अर्थ के ऊपर, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डू द डैमेज, सो लेट्स अवॉइड दैट। सो इंटरेस्टिंग, अब मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट इवन प्रूवन टू बी एनी सेफर देन टैप वाटर। वो अलग फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट इसके पीछे में, ओके। नाउ इट डजंट नेसेसरी टेस्ट बेटर। ये तो बहुत सारे जो पानी आपके घर में आ रहा है या फिर जो बॉटल वाटर है उसके बारे में की बात है कि जो वाटर है वो उतना टेस्टी नहीं होता है, राइट। एंड इवन इट कैन हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, लॉट ऑफ थ्रेट्स, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे, क्योंकि इसमें पाया गया जाता है जो केमिकल होता है ना, बीपीए कहते हैं उसको, बीपीए हो गया या फिर थैलेट्स हो गए, या इवन इसमें हजार्डस ऐसे केमिकल्स होते हैं बोतल के अंदर, जो प्लास्टिक बोतल है, जो हमारे वाटर में लीच करते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली बीमारियां होती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ कैंसर, ओके। सो डेंजर ऑफ टैप वाटर आपको सबको पता है, बट फैक्ट ये बता दूं कि 1.8 बिलियन पीपल ये ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो है कंटेमिनेटेड पीते, जिसमें फीकल मैटर होता है, कंटेमिनेटेड है। और WHO ने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके पब्लिश किया अपने सारे डेटा इन्फॉर्मेशन, और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बाय 2025 में वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस एरिया में रहेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ था। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसमें से मिडिल इनकम कंट्रीज 30% हेल्थ केयर फैसिलिटीज लैक ऑफ एनी वाटर सोर्स, 19% do not have improved sanitization and 35% lack water and soap for the hand washing. Ultimately, आप ऐसे environment में भी enter कर रहे हो जिसमें आपकी immunity definitely weak होगी, और आपकी health को further weak करने का काम जो आप कर रहे हो वो है आपका tap water या फिर घर में जो भी source का water आ रहा है उसके वजह से हो रहा है। That's the reason we should change it. अच्छा, आप ये पूछ रहे होंगे, सब लोग ये कह रहे हैं कि कैंगन वाटर, कैंगन वाटर, कैंगन वाटर। मैं स्पेशल उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा, मन और आपके दिमाग में, कि कैंगन वाटर ही क्यों, राइट, राइट, एग्जैक्टली, राइट। मैं आपको बताता हूं व्हाई कैंगन वाटर, क्योंकि ये कैंगन वाटर में ऐसी वो प्रॉपर्टीज है जो दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार के पानी में नहीं है। माइक्रो
इंटरेस्टिंग एंटीऑक्सीडेशन अल्कलाइनाइजेशन, ऐसी वो चीज है, समझ लो ये आपके हाथ में अमृत है जिससे आप अपने जीवन को बड़ी एक खुशहाल तरीके से जी सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, क्योंकि ये बात किसी और चीज में नहीं है। राइट नाउ क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेशन रिच होता है, हेल्दी वॉटर है, रिवाइटलाइज सेल्स, देखो ये पूरा रिसर्च कहता है रिवाइटलाइज सेल्स, जिसको सेल्स की लाइफ बढ़ाता है, ओके, एंड हेल्दी अल्टरनेटिव टू रेगुलर टैप वॉटर एंड बोटल वॉटर। That's why we should have the Kangen water. On top of that, life में, world में जो भी बीमारियां हैं उसका permanent long term solution अगर कोई है तो वो है Kangen water. Thank you. और इससे कोई comparison नहीं है Kangen water और बाकी जो common drink है, there is no comparison at all. So let's think. Let's drink, let's live with a candle water. Wow. Now it's time to focus on your future, my dear friends. आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपकी सेहत आपके हाथ में है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास candle water है। और जल बैक 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 पीछे पीछे जल्दी पीछे बाय मेरा फेवरेट स्लाइड था। यस फैक्ट ऑफ द मैटर, अगर आज के पूरे निचोड़ को अगर हम बात करें पूरे आज के पूरे डे की, वो ये है कि जल ही जीवन है और जीवन अनमोल है, और इसीलिए कैंगन वाटर पिए और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, आपका दिमाग पैराशूट की जैसा है। पैराशूट तभी काम करता है जब ओपन होता है, तो आपके दिमाग को, आपके पैराशूट को हमेशा ओपन रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।